तो फाइनली आज मैं दोबारा से घर से निकली हूँ कहीं के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं खेड़ में। खेड़ मतलब देवता जी का फंक्शन होता है, लोग देवता जी को इनवाइट करते हैं अपने घर पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और देवता जी आते हैं 3 दिन के लिए। तो मैं आप लोगों को मिलाऊंगी और चलते हैं। ये मैं थोड़ी सी अपने बगीचे में आई हूँ, थोड़ा सा आपको अपना सेब भी दिखा देती हूँ मैं। आगे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ, तो मिलते हैं आपको उनके घर पे। ये देखिए मटर की खेती, इस बार काफी अच्छे मटर लगे हैं लोगों के। तो जी फाइनली हम लोग उस जगह में पहुंच गए हैं, और जैसे ही हम पहुंचे तो देखा सामने नाग देवता जी पहले ही पहुंच गए थे, और हम और नाग देवता जी कर रहे थे इंतज़ार हमारे ईष्ट डोम देवता जी का, जो कि अभी आने बाकी थे क्योंकि काफ़ी दूर शर्मला से उनको आना पड़ता है। तो ये देखिए जी हमारी दोनों पालकियों को मिलते हुए, और ये जो नज़ारा होता है ये बहुत ही प्यारा होता है। तो जी काफ़ी देर तक देवता जी का मिलन होता रहा, और ये कुछ सामने की भी मैंने क्लिपिंग्स ले ली है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये नज़ारा देखने में जब भी देवता जी हमारे गांव में जगह में आते हैं। तो जी अब तैयारियां हो रही थी पालकी को बिठाने की, और बिठाने के बाद जो मूर्ति होती है उनको घर के अंदर लिया जाता है, और वहां अंदर एक कमरे में सबसे ऊपर वाले रखकर वहां उनकी पूजा होती है। 3 दिन तक के लिए आते हैं हमारे देवता जी, और 3रे दिन वो वापस चले जाते हैं। जो पालकियां हैं उनको बाहर ही रखा जाएगा सेफ जगह में। तो जी यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर मिल गए थे। अच्छा, हेलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। से हाय, हाय करो सब जने।
तो ये वक्त था चढ़ावा चढ़ाने का, और जैसे ही सब लोग फ्री हो गए थे मैं भी चली गई चढ़ावा चढ़ाने, क्योंकि अब दीप्ता जी को नीचे बिठाया हुआ था। तो बारी बारी से सब लोग अपना अपना चढ़ावा चढ़ा रहे थे और हमें भी मिल गए दर्शन। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देवता जी आते हैं इतने टाइम के बाद और आशीर्वाद मिलता है उनका, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब जो है मूर्तियों को अंदर लेके जा रहे थे। सामने जो सबसे पहले हैं वो शर्मा जी हैं और लाल ध्वजा के साथ देवता जी को अपनी गोद में उठाते हैं। छड़ियाँ भी देवता जी के साथ में जा रही हैं। तो बस यही वो बोल रहे थे कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए ताकि हम लोग सीधे ऊपर जा सके, और जो पालकियाँ थी वो बाहर थी। तो ये लोग हैं ढोल वाले जो दीप्ता जी के साथ होते हैं, और हमारी भाषा में इनको बजंतरी कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग आ गए चाय ठंडा पीने, और मैंने लिए चाय और पकौड़े। उसके बाद हम लोग लेडीज डिपार्टमेंट अंदर बैठ गए हैं गॉसिप मारने के लिए। तो यहाँ बन रहा था गरम गरम पकौड़े और एक भैया जलेबी बना रहे थे, तो मैंने सोचा ये मौका क्यों गंवाना चाहिए, है ना। तो बस मैं लग गई उनके पास, खड़े हो गए और जलेबी और पकौड़ों का आनंद लेने के बाद मैंने बच्चों को देखा, ये बड़े एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की क्या ज़िंदगी होती है ना, ये नीचे गिरे हुए फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं अपने ऊपर, फिर ऐसे से रिपीट कर रहे थे। तो ये जी पहला दिन समाप्त होते हुए अब आई है भोजन ग्रहण करने की बारी, और हम लोग सारे खाना खाने के लिए आ गए थे। तो हमारा जो बैच है वो लास्ट था रोटी खाने के लिए, और खाने में बने थे चावल राजमा और सिड्डू घी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है खेल का सेकंड डे और हम लोग जा रहे हैं दोबारा से खेल में। कल काफ़ी लेट हो गए थे, उसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई। आज फिर दोबारा से जा रहे हैं, आज नाटी पाटी होगी, सब कुछ होगा, आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आज हम अवतारों को भी साथ में लेके आए थे, क्योंकि आज हमें दिन दिन में ही जाना था और वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो आज हम अवतारों को भी साथ पे लेके आए और इसने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो बच्चों को भी लेके जाना चाहिए ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे, मैं इसको बहुत कम लेके जाती हूँ, तो मैंने इसको आज अपने साथ उठा दिया। तो अवतारू डिमांड कर रहा था कि मैं बीच में चलूँगा और दोनों का हाथ पकड़ के, तो इसलिए हम लोग ऐसे तीनों चल पड़े साथ में और काफ़ी इन्जॉय किया। और जैसे ही वहाँ पे अवतारू पहुँचा तो इसने हर जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, हर चीज़ देख रहा था, और मुझे लगा था शायद लोगों के बीच थोड़ा सा शाय फील करेगा, पर नहीं। मेरी कज़िन मिल गई थी जो मेरे मायके वाली साइड से है, तो
लोग आ गए हैं वापस खेन से, और आज देवता जी वहीं रहेंगे, कल चले जाएंगे। तो कल हम लोग तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए आज गए थे। कल लास्ट डे होता है, हमारे को 2 दिन का इनविटेशन था, इसलिए हम आज और कल गए थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और अब हम वापस घर आ गए हैं, और घर जाकर अब बैक टू वर्क, बैक टू रूटीन, और यही सब करेंगे। अवतारू और अवतारू के पापा आगे निकल गए हैं, बाकी खेतों में लोग काम करें, बस यहीं पे इनका हमारे घर के साथ ही हैं। और तो बस जितना मैं हो सकता था मैंने कैप्चर किया अपना ट्रेडिशन। और प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी करना, और चैनल को काफ़ी सपोर्ट कीजिए, लाइक भी करना, और क्या, और अपना ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।